सर्दियां हैं और सर्दियों की शाम है और बहुत अच्छा मौसम है और बहुत अच्छा मौका है कि हम अपनी सारी वेलवेट्स को निकालें और आराम से पहनें। छोटा सा डिनर है उस पे जा रहे हैं तो वहाँ का थीम था सीक्वेंसेस। तो मैंने अपनी शॉल निकाली है जो सीक्वेंस वाली मैं इसके ऊपर लेके दिखाऊंगी और थोड़ी सी आपके साथ में एक बात शेयर करूंगी कि मैं टीवी लाउंज में क्या मुझे लगता है कि आपके सोफे के साथ आप जहाँ पे आप बैठते हैं आपके करीब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। चलें, ये मेरी शॉल है, मालिया भी की है ये और प्राइस मुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड एक है उससे मुझे गिफ्ट की थी खदीजा की शादी पे और ये मेरा काफ़ी आजकल यूज़ होती थी सर्दियों में भी। इस पे ये सितारों का काम हुआ हुआ है तो मुझे लग रहा था कि आज मुझे पहन लेनी चाहिए जी। क्योंकि पूरा ये ब्लैक ड्रेस है तो इसके साथ मैं कोट शूज़ वगैरह पहन सकती थी मगर मैं नहीं पहन रही हूँ, मैंने ओपन रखे हैं शूज़ ताकि वो पूरा एक ब्लैक वो ना लगे और थोड़े से कलर को ब्रेक करने के लिए मैंने अपना ग्रीन वाला क्लच लिया है ताकि कुछ कलर ऐड हो जाए। बोलो, ये मेरा मेन काउच है जिस पे मैं बैठती हूँ और जहाँ से मैं टीवी देखती हूँ और मैं रिलैक्स करती हूँ और ज़्यादातर टाइम जब मैं घर पर होती हूँ तो मैं अपने काउच पर इस पर ही होती हूँ। ये जो सोफ़ा है कंफर्टेबल है होना चाहिए लाउंज का तो स्पेशली। तो ये जो मेरा ये वाला काउच है ये मुझे हमेशा से बहुत शौक़ था, जब मेरे पास नहीं था तो कंफर्टेबल सोफ़ा होता था लेकिन अब है तो ये अब जब मैंने लिया नया लेना था तो मैंने रिक्लाइनर्स लिए हैं जो कि खुल जाते हैं और आप इसके ऊपर और आराम से रिलैक्स भी कर सकते हैं। कलर इसका यूजुअली न्यूट्रल या वो रखे हैं जो भी कोई कलर आपको पसंद है लेकिन मैं क्योंकि न्यूट्रल कलर्स लेती हूँ ज़्यादातर और कहीं ना कहीं और कलर्स ऐड करती हूँ तो मेरा ये स्किन कलर का है, स्वेड लेदर है। अच्छा जी, तो जो आपका लाउंज वाला जो भी कॉर्नर आप जैसे भी यूज़ कर रहे हैं उसमें एक दो पॉइंट्स जो मैं हमेशा नोट करती हूँ रखती हूँ और पॉइंट बनाती हूँ कि वैसे हो, वो ये है कि एक तो चार्जर केबल आपकी जो भी आपका मोबाइल है उसकी आप केबल साथ अटैच्ड होनी चाहिए ताकि आप फ़ोन को आराम से चार्ज कर सकें। डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स आजकल मिलते हैं, मेरा तो बेसिकली ये ऑर्गेनाइज़र एक आइकिया का है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह का ऑर्गेनाइज़र है, इसमें डिफरेंट पॉकेट्स हैं और अब मुझे डिवाइस मिल गई। अच्छा, डिवाइस गुम हुई थी बहुत दिन से, मिल गई। अच्छा, तो ये इसमें रिमोट्स और चीज़ें आ जाती हैं और ग्लासेस के कवर्स और जो कुछ भी आपने डालना हो, ये मैंने आइकिया से लिया था। इसकी सिर्फ वेट होता है ताकि ये इसको फिक्स्ड रखे। अच्छा, मैंने तो ये साइड पे लटकाया हुआ है क्योंकि इसमें इस तरह की चीज़ें मैंने डाली होती हैं लेकिन मैं अब ऐसे कर रही हूँ आजकल, अब मैंने नया जो स्टार्ट किया और जो मेरा नया तरीका, नया तो नहीं काफ़ी अर्से से है, वो ये है कि मैंने बास्केट रखी हुई है और इस बास्केट में मैं अब आपको बताती हूँ व्हाट्स इन माय बास्केट। इसमें ये मेरे रिमोट्स हैं, टीवी के, डिश के, पीटीसीएल वाले बॉक्स के, ये मेरी ग्लासेस जिसके बगैर मुझे कुछ नज़र नहीं ज़्यादा आ रहा होता, ये वो हैं, शीशा क्योंकि मुझे मिरर कभी भी देखने की ज़रूरत पड़ सकती है, बहुत ज़रूरी। अच्छा जी, और उसके अलावा ये मेरे एयरपॉड्स, ये यहाँ पड़े होते हैं इसमें, ठीक है। टी कोस्टर्स पे मैंने तो पूरा व्लॉग आपके साथ किया था कि टी कोस्टर्स को कभी अंडर एस्टिमेट ना करें और ज़रूर होने चाहिए। तो टी कोस्टर इधर है, ये भी मेरे साथ पड़ा होता है, हर इधर होता है और क्योंकि अचानक पानी, चाय का कप, कुछ भी मुझे रखना हो तो मैं इस पर रख सकती हूँ। ये छोटा सा टेबल जो मैंने सेंटर में रखा हुआ है ना, ये आइकिया का है और ये ग्लास टेबल है, ये इसलिए रखा हुआ है क्योंकि साफ़ बिल्कुल आराम से हो जाता है। अच्छा, मैं बताती हूँ, पानी का ग्लास जो मैंने रखा था,
इंस्टेड ऑफ क्या आप पानी का ग्लास हर दफ़ा शीशे का ग्लास निकालें, पानी पिए और आप किचन में रखते जाएँ, तो एंड में जो धोने वाले बेचारे होते हैं उनके लिए काफ़ी काम हो जाता है। आजकल बहुत अच्छे अच्छे सिपर्स मिलते हैं, वाटर बॉटल्स मिलती हैं, वो सब लोग मैंने बहुत देखा है कस्टमाइज भी होती हैं और अपने अपनी सब फैमिली मेम्बर्स ले लेते हैं। मेरा ये वाला ग्लास है, ग्लोरिया जीन्स का है ये ग्लास, ये मैंने इधर रखा होता है पानी का ग्लास। तो ये मेरा कॉर्नर है जो मेरी एक छोटी सी जन्नत है। जब मैं टीवी देख रही होती तो मुझे हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती है। अगर आप चाहें तो आप बेल वगैरह भी अपनी रिमोट कंट्रोल रख सकते हैं, आपको किसी को बुलाना है या किचन में कॉल करनी है तो वो भी यहाँ पे हो सकता है। वही बात हो रही थी कि हम कितना ऑर्गेनाइज रह सकते हैं, तो छोटी छोटी सी टिप्स हैं, जैसे अगर आप टीवी देख रहे हैं तो रिमोट कहाँ है और क्या चीज़ कहाँ है और मेरी ग्लासेस कहाँ हैं, मेरे चश्मे कहाँ हैं और इस तरह की चीज़ें, तो वो आप आराम से यहाँ पे हैंडी रख सकते हैं। मोबाइल और वगैरह की चार्जर की केबल्स हम लगा सकते हैं यहाँ पे, अगर आप लैपटॉप वगैरह यूज़ कर सकते हैं उसकी केबल भी इधर लग सकती है। तो ये मैंने आपके साथ अपना काउच शेयर किया था और अभी बहुत सारी बातें हमने करनी है। जब मैं अपना होम टूर स्टार्ट करूँगी उसमें थोड़ा सा डिले इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं चाह रही थी लॉन से स्टार्ट करूँ और उसमें भी पनीरी बहुत छोटी है और इतनी सर्दी की वजह से ना सबको थोड़ा सा डल हुआ है। तो बस हफ्ते 10 दिन के बाद इंशाल्लाह मैं होम टूर स्टार्ट करूँगी। सब लोगों की जो भी काम कर रहे हैं, मुझे पता है आप सब लोग भी काम करते हैं बहुत दिल से और मेहनत के साथ करते हैं, तो आप लोगों से मैं रोज़ मिलने के लिए आती हूँ और मैं ख़ुद भी जिस दिन वीडियो अपलोड ना करूँ और सबके कमेंट्स वगैरह आप लोगों के ना आ रहे हो तो मुझे लगता है मेरे डे में कुछ मिसिंग था। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इर्द गिर्द देखें जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है कि नहीं, उनसे भी सब्सक्राइब करा दें। आप सब्सक्राइब करेंगे और मुझे इनकरेजमेंट मिलेगी कि मैं और वीडियोज़ अच्छी बना सकूँ। अल्लाह हाफिज़।